हेलो सो so, आगे कंटिन्यू करते हैं सर्कल चैप्टर तो अपना सर्कल चैप्टर चल रहा था तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड जॉइनिंग अल्फ़ा एंड बीटा कॉर्ड जॉइनिंग अल्फ़ा एंड बीटा इसका क्या मतलब है कि अल्फ़ा बीटा को जॉइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन तो ये मैं जो कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड सर्कल के लिए कर रहा हूँ हम वैसे भी इस चैप्टर में जो थ्योरी डेवलप करते हैं वो स्टैंडर्ड सर्कल के लिए करते हैं और उसको जनरल सर्कल के लिए एक्सटेंड करते हैं ओके okay, तो अल्फ़ा बीटा का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो अल्फ़ा है और इस पॉइंट का जो पैरा कोऑर्डिनेट है वो बीटा है तो अल्फा का मतलब है अगर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर है तो अल्फ़ा पॉइंट हो जाएगा तो ये ए नाम दे दिया इसको बी नाम दे दिया तो ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा तो बीटा पे हो जाएगा बी कोऑर्डिनेट ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा तो उसका बोलने का मतलब है कि अल्फ़ा बीटा को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो कि सर्किल की कॉर्ड है सर्किल की कॉर्ड है तो कैसे निकालेंगे वाई माइनस वाई वन तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन और स्लोप कैसे निकालते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 टू माइनस एक्स वन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से तो y माइनस ए साइन अल्फा इज इक्वल टू इस पर साइन सी माइनस एन डी का फॉर्मूला लगा देंगे और साइन सी माइनस साइन डी तो साइन सी माइनस एन डी कितना होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू और नीचे कॉससी माइनस कॉस डी लग जाएगा तो कॉससी माइनस कॉस डी कितना होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू नेक्स्ट इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा और ये बचा हुआ है एक्स माइनस ए कॉस अल्फा तो वाई माइनस ए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू तो ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा तो इसमें से माइनस बाहर आएगा ये टू टू कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा इसको एक्सपैंड कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई माइनस ए साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू एक्स प्लस ए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू नेक्स्ट कुछ टॉम इधर उधर कर देंगे तो ये लेफ्ट में ले जाते हैं और ये राइट right में ले जाएंगे तो ये आएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई इसको उधर लेके जाएंगे तो ये होगा ए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस ए साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू नेक्स्ट ये फार्मूला निकल गया तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई इज इक्वल टू तो ये कॉस है कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो वो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू तो इसको सिंप्लीफाई किया इसको सिंप्लीफाई किया तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई इजिकल टू ए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय टू तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई इजिकल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू और ये याद होना चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट है ये याद होना चाहिए डायरेक्ट यूज़ भी होता है और ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए किया है जनरल सर्कल के लिए नहीं किया है नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल तो पहले टेंजेंट तो स्टैंडर्ड सर्कल तो स्टैंडर्ड सर्कल अपना कौन होता है जो सेंटर uh, ओरिजन होता है तो स्टैंडर्ड सर्कल अपना जिसका सेंटर ओरिजन होगा तो so, इसमें क्या हो रहा है किसी एक पॉइंट पर कोई एक पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन इस पॉइंट पर तो इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो देखो ये सर्कल चैप्टर की वजह से इजीली निकाल सकते हैं लेकिन आगे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में नहीं निकाल सकते उसमें कैलकुलस की हेल्प लगती है और अपने को इसको बिना कैलकुलस के देखना है तो एक पैटर्न है वो पैटर्न हम लोग समझेंगे पहले मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी तो टेंजेंट की इक्वेशन तो हमें पता है कि सेंटर से जो लाइन जाती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी तो ये ओ ये पी तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए एट पी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी पर मुझे स्लोप ऑफ ओ पी पता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो वो आ जाएगा वाई वन अपॉन एक्स वन तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है नेगेटिव रेसिप्रोकल तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन नेक्स्ट सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वायर तो ये आ जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर नेक्स्ट एक्स वन वाई वन सर्किल पे लाए कर रहे हैं तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो ये सर्किल पे लाएगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इकल टू ए स्क्वायर तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई स्टैंडर्ड सर्कल के लिए स्टैंडर्ड सर्किल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन एट एक्स वन वाई वन नेक्स्ट इसमें एक पैटर्न है पैटर्न क्या है कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्सन रख दो वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन रख दो और कॉन्स्टेंट एज इट इज तो ये इक्वेशन आ जाएगी तो होता क्या है फंडा ये है कि कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व में सेकेंड डिग्री कर्व में एक्स स्क्वायर का टर्म होता है वाई स्क्वायर का टर्म होता है एक्स वाई का टर्म होता है एक्स uh, का टर्म होता है वाई का टर्म होता है एक्स वाई का टर्म होता है और कांस्टेंट टर्म होता है तो क्या करना है कि कभी भी अगर कभी भी अगर टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन लिखना है सेकेंड डिग्री कर्व में तो कभी भी टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन लिखता है सेकेंड डिग्री कर्व में तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन पुट कर दो वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन तो x की जगह x प्लस एक्स वन बाई टू वाई की जगह y प्लस वाई वन बाई टू और एक्स वाई की जगह एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू पुट कर दो तो जैसे अभी मान लो मैं जनरल इक्वेशन के लिए करता हूँ तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में टेंजेंट की इक्वेशन एट एक्स वन वाई वन तो जनरल इक्वेशन सर्कल क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन तो एक्स स्क्वायर की जगह देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन एक्स की जगह एक्स एक्स प्लस एक्स वन बाई टू पर यहाँ टू है तो टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन टू वाई की जगह वाई प्लस वाई वन और कॉन्स्टेंट एज इट इज तो ये कौन आ गई ये जनरल सर्कल में एक्स वन वाई वन पर टेंजेंट की इक्वेशन आ गई ये जनरल सर्किल में एक्स वन वाई वन पर टेंजेंट की इक्वेशन आ गई नेक्स्ट है रिमार्क तो रिमार्क क्या है कि सेम एक स्लोप के लिए दो पैरल टेंजेंट्स आती हैं और उनके बीच की डिस्टेंस डायमीटर होती है तो सर्कल में सर्कल में सेम स्लोप के लिए दो टेंजेंट आती हैं मतलब अगर ये कोई सर्कल है तो अगर सेम स्लोप की कोई टेंजेंट है तो मान मतलब लो ये एक टेंजेंट है तो इसके पैरल एक और टेंजेंट पॉसिबल है तो ये सेम स्लोप की दो टेंजेंट होगी और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस डायामीटर होगी तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज़ डाया मीटर नेक्स्ट नेक्स्ट रिमार्क क्या है किसी भी एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट डाली जा सकती हैं और दोनों की लेंथ बराबर होती है तो रिमार्क क्या है कि किसी भी सर्किल पे बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जा सकती हैं तो ये जो है एक और दूसरी तो ऐसे दो टेंजेंट डाली जा सकती हैं और दोनों की लेंथ जो होगी वो बराबर होगी तो पहला चीज़ कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जा सकती हैं एक सौ कोमा वाई वन से एक एम वन स्लोप की और एक एम टू स्लोप की दूसरी चीज़ ये दोनों की लेंथ बराबर होगी दोनों की लेंथ बराबर होगी तीसरी चीज़ इसके सेंटर से जो पास होने वाली लाइन होगी वो सेंटर से पास होगी तो इसके एंगल बाई जो होगी वो सर्कल के सेंटर से पास होगी और ये इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा तो ये इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा ये सर्कल का सेंटर नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल नॉर्मल सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि सर्कल में नॉर्मल जो होती है वो सर्कल टेंजेंट uh, के परपेंडिकुलर होती है तो टेंजेंट uh, के परपेंडिकुलर होती है और सर्कल के सेंटर से पास होती है तो नॉर्मल जो होगी वो सर्कल के सेंटर से पास होगी और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी तो अभी अभी अपन ने देखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला था माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन तो माइ ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तो वाई वन बाय एक्स वन तो सेंटर से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो फंडा बस ये होता है कि नॉर्मल जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है और सर्किल के सेंटर से पास होती है तो स्टैंडर्ड सर्किल के लिए ऐसे जनरल सर्किल के लिए भी कर सकते हैं बस क्या होगा सेंटर से पास होगी और टेंजेंट का स्लोप अलग से निकालना पड़ेगा तो देखो तो सेंटर हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ क्योंकि ये जनरल सर्किल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा और टेंजन का स्लोप कहाँ से निकालेंगे वो टेंजन की इक्वेशन से और टेंजन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन टू वाई की जगह वाई प्लस वाई वन और टू एक्स वाई की जगह एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन तो यहाँ से टेंजन की इक्वेशन निकलेगी और टेंजन की इक्वेशन से टेंजन का स्लोप निकलेगा फिर वहाँ से नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप निकलेगा नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप निकलेगा